दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉइड फोन बाजार से खरीद के लाते हैं तो उस टाइम पे वो काफी फास्ट चलता है। किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को जब हम ओपन करते हैं सिंगल टैप में वो फोरन हमारे सामने ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने एंड्रॉइड फोन को यूज करते जाते हैं उसमें एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते जाते हैं तो कुछ महीने के बाद वो काफी स्लो होने लगता है यानी कि हैंग होने लगता है। फिर हम अपनी किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं किसी ऑप्शन में जाते हैं तो इस तरह से फास्ट ओपन नहीं होता, उसको ओपन होने में काफी टाइम लगता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके फोन में हीटिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके अलावा आपके फोन की बैटरी का बैकअप भी होने लगता है। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका फोन काफी ज्यादा हैंग होता है, कोई भी एप्लीकेशन फोरन से ओपन नहीं होती है, उसको ओपन होने में काफी टाइम लगता है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं जिससे कि सिंगल क्लिक में आप अपने फोन की हैंगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आपका फोन बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा आपने उसको नया परचेज किया था। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है और आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है कि आपका फोन यहाँ पे काफी ज्यादा हैंग होता है, रुक रुक के चलता है, तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, काफी छोटी सी सिर्फ 7 MB की एप्लीकेशन है, उसे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको जो लेफ्ट गो का बटन मिलता है आपको सिंपली टैप करना है। अब इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने 4-5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिवाइस इन्फो, एप मैनेजर, सेंसर और बैटरी स्टेटस। तो ये चारों में आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। ऊपर आप देखें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिस्टम रिपेयर, सिस्टम रिपेयर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का एक बटन देखने को मिल रहा है सिस्टम रिपेयर, आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो एड वगैरह आपके सामने आते हैं तो उसको आपको क्लोज कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे फोन में इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। अब इसका काम क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे सिस्टम को चेक करेगा, इसके बाद में हमारे बूट सिस्टम को चेक करेगा और उसके बाद में हमारे सिस्टम फाइल को चेक करेगा। और इन तीनों में अगर किसी भी फाइल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा फोन यहाँ पे हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑटोमेटिक फिक्स करेगा। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 7 MB की छोटी सी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है, इसको ओपन करना और यहाँ पर सिस्टम रिपेयर के बटन पे आपको टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग ने स्टार्ट कर दी और ऊपर की साइड की पूरी फाइल आप देख सकते हैं, जिस फाइल को यहाँ पे स्कैन कर रहा है कि चेक कर रहा है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट कर लेना, मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या फिर 1 मिनट के आसपास आपका इसमें टाइम लग सकता है। तो चलिए इस प्रोसेसिंग को यहाँ पे कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का रिजल्ट हमारे सामने देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, इसने हमारी पूरी फाइल को चेकिंग कर दिया और चेकिंग करने के बाद ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे रिपेयर भी कर दिया है। बस दोस्तों इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद आप अपने फोन की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपका फोन जो काफी अटक अटक के चलता था, काफी उसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम थी, वो आपकी काफी हद तक यहाँ पे सोल्व हो जाएगी और आपका फोन यहाँ पे फास्ट चलने लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिए होते हैं, जैसे कि अगर आप डिवाइस इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एप मैनेजर भी मिल जाता है, यहाँ से अगर आप किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है जो कि आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो उसको भी आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास काफी सारी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है और उसमें से काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें आप कभी भी यूज नहीं करते हैं तो उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब एप्लीकेशन हमारे फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो उससे भी हमारे फोन में हैंगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों बस आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपका फोन हैंग होता है तो छोटी सी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना, सिस्टम रिपेयर पर टैप करना, ये आपके पूरे सिस्टम को चेक करेगा और चेक करने के बाद उस फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रिपेयर भी कर देगा, तो आपके एंड्रॉइड फोन की हैंगिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।